मुझे लगता है कि देखो चर्चा की बजाय हम देखो मैं आपको बताऊं, देखो यदि कॉस्मिक डिजाइन है और कॉस्मोस की इच्छा शक्ति के कारण मैथिलीषण गुप्त इसमें लगे हुए हैं, तो कॉस्मोस जो है ना ऐसे एन नंबर ऑफ मैथिलीषण गुप्त को पैरेलल में पैदा कर रही होगी, और कॉस्मोस इस कार्रवाइयों को कई वर्षों से कर रही होगी, क्योंकि कॉस्मोस ने तो बहुत पहले डिसाइड किया होगा ना कि 2021-22 में ये करना है मुझे, राइट? वो तो सर देखिए जो हमारी नियति है वो तो प्री डिसाइडेड है, हमें भी नहीं पता अगले पल क्या होना है, हम नहीं, लेकिन कर रहे हैं उस नियति ने तो अपनी पूरी तैयारी करके रखी होगी ना। बिल्कुल सर बिल्कुल, इसीलिए हमसे करवा रहे हैं वो ऐसे, तो इसीलिए तो सिंपल इतना करना है कि नियत में जिन जिन को से ऑलरेडी 25-30 साल जो है उनका जीवन जो है एक अपने आप में सिद्ध योगी जैसा हो गया है, वो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करके सीएफबी के प्रोटोकॉल में पेश करके प्रोडक्ट और सर्विसेज के तौर पर नीचे परोस दो। और अभी जो जितनी भी समस्याएं हैं चाहे वो नेचर के विरुद्ध हो चाहे वो आपके इकोसिस्टम में हो वो अपने आप विलुप्त हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब ना तो हर्षद मेहता पैदा होंगे जो की चीजों को मैनेज, आप बताइए ना परफॉर्मेंस ऑफ any industry, why it should not be proportionately seen in the share price? ये share prices hypothetically manipulate कौन कर रहा है? ये बहुत सारे retired officers जो सिर्फ यही धंधा कर रहे हैं कि इसमें invest करो, इसे निकालो, उसे करो, इसे करो, they are minting money। मैं एक जो excise के कोई commissioner retired थे, इसी कारणवश उनसे मुलाकात हुई दिल्ली में, काफी पुरानी बात है। तो मैंने जब उनसे बात की तो वो कह रहे यार मैंने तो उन्होंने प्री रिटायरमेंट ले लिया था, मतलब पहले से ही, तो वो मतलब गालियां दे रहे हैं अपनी पोस्ट को, कह रहे हैं यार मुझे नॉलेज सारी है ही और सरकार क्या दे देगी, चार सलूट ही तो मारते हैं चार लोग, कितने लाख दो लाख तनख्वाह दे देगी, आज मैं एक डील करता हूँ और 4-6 करोड़ रुपए ले लेता हूँ, लोग वो प्रोजेक्ट की सरकार से डील कराते हैं। उन्होंने एक बार भी मतलब वो एक बड़ी अजीब सी बात है, उनके दिमाग में ये विचार नहीं आया कि ये जो तुम डील कर पा रहे हो ये डील इसीलिए कर पा रहे हो ना कि आईएएस की पोस्ट पे आप बैठे थे। करेक्ट भाई, अगर आप वहां पे नहीं होते ना तो आपको ज्ञान देने वाला होता आदमी, मुझे खुद बता रहे शाम से, मुझे सब नॉलेज है, सारे कंपनियां आके मुझे ही डेमोन्स्ट्रेट करती थी, तो मुझे हर टेक्नोलॉजी का पता है और मुझे ये भी पता है कहाँ चलना है, तो मैं प्रोजेक्टों में उनकी डील करा देता हूँ, वहाँ सैकड़ों करोड़ का होता है तो 8-10 करोड़ तो यूं ही आ जाते हैं चुपचाप, 8-10 करोड़ कितने साल में कराऊंगा नौकरी में। तो ये जो सोच है ना, ये वो इंसान ये नहीं कह रहा कि वो पोजिशन इम्पोर्टेंट थी जिसके कारण तुझे 8-10 करोड़ मिल रहे हैं। नहीं नहीं, सवाल पोजिशन का नहीं है पार्टनर, सवाल इस बात का है कि हाउ टू टेक द ट्रेजेक्टरी टू द हायर लेवल। अभी का सिस्टम हर किसी को गरीब रखना चाहता है और उसमें अकेली सरकार सम्मिलित नहीं, अकेले नेता सम्मिलित नहीं, हम और आप भी सम्मिलित हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अभी गरीब रहेगा तो नहीं। आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन में आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं ये अंग्रेजी व्यवस्था है, भारतीय है ही नहीं, तो ये तो प्लान इसलिए की रही है कि एक आम आदमी भूखा नंगा रहे। अरे भाई आप ये बताइए कि ये दुष्टता की पराकाष्ठा है कि जनगण मंगल अधिनायक जय हो, ये जो है जॉर्ज पंचम की जय है। किसी राजा के की जय को आपका राष्ट्रगान कैसे हो सकता है, और ये नेहरू जी ने दुष्टता से सम्मिलित करा दिया, ये दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं है क्या? सर इससे भी बड़ी पराकाष्ठा बताता हूँ, जिस दिन जिस रात में इसको आजाद किया गया, पहली बात तो रात के 12 बजे कोई सेंस नहीं थी, रात के 12 बजे देश की आजादी घोषित करके नेहरू जी एक स्पीच देते हैं और वो स्पीच अंग्रेजी में देते हैं, भारत को कह रहे हैं आजाद किया और स्पीच दे रहे हैं अंग्रेजी में और उनके सामने दे रहे हैं जो अंग्रेजी जानते नहीं है, और वो ताली पीट रहे हैं कि नहीं नेहरू जी बोल रहे हैं ताली बजाओ, तो ये तो नहीं हो, कोई मॉनिटर खड़ा होगा जो कह रहा होगा ताली ताली, हाँ ताली बजाओ, ये तो खतरनाक रखी गई है कि नहीं ये दुष्टता है। यार देखिए
आपका जो है आपका 1935 का एक्ट भी आपका संविधान है, 80% क्लॉज उसी से आए हुए हैं। हाँ, आप ये देखिए कि आपके दो जो है एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने की व्यवस्था है, और एंग्लो इंडियन का मतलब है कि ऐसे अंग्रेजों से जो अवैध सत्ताने हो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल सही। तो उनको जो है ना हमारे पार्लियामेंट में उनको प्रतिनिधित्व क्यों, किस कारण से और किस इंटरेस्ट को साधने के लिए होना चाहिए? मतलब अंग्रेज अपना हित तो साधते ही रहे, अपनी अवैध संतानों का हित साधने का प्रावधान भी आज आर्टिकल 333 में है, जो आज आपके संविधान का हिस्सा है। आपके दो एंग्लो इंडियन क्यों मन मेंबर जो है ना हमारी पार्लियामेंट में होना चाहिए? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए? इस तरह की चीजें हैं जो मतलब आदमी एक सड़क चलता एक ना समझ आदमी सुनेगा तो उसका खून खोल जाएगा, लेकिन ऐसा आप ही बताइए ना। आर्टिकल जो है जो रूल 35A संविधान का हिस्सा बिना पार्लियामेंट में आए 1954 में कैसे हुआ? अजीब सी बात है, और उसके लिए लड़ाई भी हो रही है। और आप ये देखिए नहीं, और उधर दूसरी तरफ सालन की दुष्टता देखिए, उन्होंने जानते इसको कब से लागू किया? 1944 से लागू किया, मतलब जब साले तुम स्वतंत्र नहीं हुए थे उस समय से वो रूल कैसे लागू हो सकता है? और जानते हो क्यों 44 से लागू हुआ? क्योंकि उस दौरान जो है ना बहुत सारे हिंदू वहां से भगाए गए, उनमें से कुछ कश्मीर में भी पहुंचे थे, तो उन्हें जो है ना नागरिकता ना मिले, इसलिए 44 से लागू किया गया। जो कि एग्रीमेंट कश्मीर के साथ हुआ 48 में। नहीं तो फिर नहीं, अब ये है कि पूछेगा कौन? ये तो संविधान में आ गया पीछे के गेट से। जब नेहरू चाहते थे कि 35A संविधान में आ जाए, तो इन्होंने एक चिट्ठी के साथ भेजा के साहब ये नियम है। वो नियम किसने बनाया? पार्लियामेंट में तो पास नहीं हुआ, पार्लियामेंट ने तो कोई रिकमेंडेशन नहीं की, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ड्यू प्रोसेस भी फॉलो नहीं की गई। तो जब चर्चा ही नहीं हुई उस पर कहीं पार्लियामेंट में, तो ये बनाया किसने है? हुज ब्रेन चाइल्ड वाज दिस? हु ड्राफ्टेड इट? वो तो हटा है? अभी भी आर्टिकल जो 30 है उसमें अभी भी इतनी खतरनाक चीज है कि केवल मतलब सरकारी व्यवस्था से आप मुस्लिम अपनी एजुकेशन को माइनॉरिटी तो दे सकते हैं और मेजोरिटी नहीं दे सकते, इसका कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, संभव होना चाहिए आपके मन में, मतलब इलॉजिकल चीज है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब ये तो ये जो है इलॉजिकल व्यक्तियों की हट धर्मता के कारण है। हाँ, अब तो, ये कोशिश कर रहे हैं तो इनकी टांग खींचने के लिए कभी ये आंदोलन और वो जीना, और पब्लिक साथ दे देती है। अजीब सी लोग हैं, मैं तो हैरान हूँ। जब नहीं पब्लिक जानती ही नहीं है, और ये जो है ना उसको इशू में कन्वर्ट कर देंगे, वो जो है ना हिंदुस्तान जो है ना खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, इस तरीके के स्लोगन और हम वाले नालायक है। अंबेडकर खतरे में, सबसे खतरनाक है अंबेडकर खतरे में, अंबेडकर का संविधान खतरे में। अंबेडकर तो वॉकड आउट किए थे 370 को, जब लाने की कोशिश कर रहे थे ही वॉकड आउट। देखिए जो जो चीज अंबेडकर जिन चीजों के अगेंस्ट था, आज वही लोग उसको यूज उसके उल्टा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफों को तो पता नहीं ना, उनको तो वही हाल है कि नहीं साथियों अब तुम्हें खड़े हो जाना है, तो कह रहे कि सारे खड़े हो गए। ये मुरारजी जैसे एक एक स्पीच में हुआ था जब उन्होंने कहा एक बैकवर्ड रैली की थी, तो उन्होंने कहा था भाइयों वक्त आ गया है, अब हम सबको अपने पैरों पे खड़े होना है। तो जितने लोग भी बैठे थे वहां वो सारे खड़े हो, साहब जी कह रहे हैं कि हमें खड़े होना है अपने पैरों पे, सब खड़े हो जाओ। तो सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए।